हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डिसेंट दिनेश व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की गुड मॉर्निंग हमारी लेबर के साथ हो रही है। ये हमारे लेबर है, हमारी आज टाइल का काम शुरू हो रहा है यहाँ पर बसंत कुंज स्कूल में। तो बस यही भाई, हर जगह यही करते हैं हमारा काम। तो घर पे वीडियो दिखाते हो नहीं दिखाते, दिखाते हैं भाई। मेरी लेबर हमेशा अप टू डेट रहती है, हर वीडियो से हमेशा सबसे पहले लाइक आता है इनका। तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे ही प्यार देते रहो। भाई जब घर पे रहते हैं ना, तो घर पे तो हर चीज इजीली मिल जाती है, और जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एक चाय के लिए भी है ना बहुत दूर आना पड़ता है। जैसा कि अभी मैं आया हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है बहुत दूर, मतलब दो तीन किलोमीटर दूर है यहाँ से, और जहाँ मैं अब चाय पीने आया हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय अपने को चाहिए होती है। तो भाई इसके लिए 2-2.5 किलोमीटर चल के आना, चल के क्या, गाड़ी लेके आया हूँ। तो भाई चाय का मज़ा ले रहे हैं, शाम हो चुकी है, और अपना बस अभी साइड पर काम चल रहा है, बस चाय पीने के लिए आया हूँ, और घर पे वो साइट पे फिर पहुंचना है। आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 8:30 या शायद 9 भी बज जाए, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज फाइनल करके ही जाना है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि माई भी आज अपने घर आएंगे, और अब वो आ चुके हैं। हमने काफी सारी बातें कर ली हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेल लिए। अब अपना सबसे फेवरेट और सबसे मज़ेदार गेम है, और इसका नाम है छिंगा। तो अब वो खेलते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है माई भैया को और कितना नहीं आता। सो गाइज, अब यहाँ पे माई भैया और हार्दिक और उनकी हार्दिक की बुआ जी का छिंगा गेम स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं कौन जीतता है। हार्दिक स्टार्ट, देखते हैं भाई। शुरू पहले शुरू से करो, या तो माही निकालता है उल्टा उल्टा गेम। और यहाँ दादी बुन रही है अपना स्वेटर, टोपा है ना मम्मी, अब तो टोपा बन रहा है ना, टोपा बन रहा है अब तो। लास्ट कुछ ही टाइम बचा है, गिरने वाली है बस कभी भी। और भाई यहाँ बुआ जी के टर्न, बहुत आराम से निकालती हुई बुआ जी, ये निकल गया सही। ओ माई मजा आ गया, दोनों की हंसी नहीं रुक रही है, बुआ जी को हरा दिया। तो गाइस भाई, माता की जो हमने टाइल्स पे पेंटिंग बनवाई थी, अब उसको असेंबल कर रहे हैं। अब टाइम फाइनली आ गया उसको लगाने का, तो बस उसको अब असेंबल करके देख रहे हैं, उसके पैकेट्स में से निकाल के। ये देखो भाई, कुछ ऐसी बन के आएंगी और बहुत प्यारी लगेंगी सरस्वती माता जी जब दीवार पर लग जाएंगी, और
बस अब उसी की तैयारी चल रही है। फाइनली प्लास्टर हो चुका है सारा रिमूव, ओल्ड प्लास्टर को रिमूव करके न्यू प्लास्टर हमने कर दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब उसके बाद ये अब टाइल्स लगनी शुरू होंगी, तो आपको दिखाता हूँ भाई कैसी लगती हैं। अभी तो ये चल रहा है भाई बहुत। तो गाइस भाई आज सुबह से अब शाम हो गई है और अभी तक देखो ये काम हुआ है सिर्फ। आज टाइम इसलिए लग गया कि पुरानी जो प्लास्टर था उसको रिमूव किया, फिर दोबारा प्लास्टर किया और फिर अब माता की ये लग रही है अभी पेंटिंग। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई, पर लग बहुत अच्छी रही है और लगने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हाँ भाई थक गए क्या? एक घंटा लगेगा थक गए भाई? अपने जो लड़के हैं ना बड़े मेहनती हैं, काम बहुत बढ़िया करते हैं, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनके इनसे काम कराना मेरे को। तो आगे भी भाई यही काम करते हैं, मेरा जो भी कोई काम आता है टाइल्स वगैरह का, टाइल्स पत्थर, तो ठीक है बढ़िया है। अब देखते हैं बस फ्री कब होते हैं यहाँ से। तो गाइस भाई आज की मेहनत अब रंग लाई है, अब बज रहे हैं रात के 10। तो भाई सुबह से अब आए हैं और अब जाके ये कंप्लीट हुई है सरस्वती माता की, जो हमने सुबह से मेहनत कर रहे हैं टाइल्स लगाने में। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी है और कैसी लगी है। तो भाई बहुत मेहनत करके बहुत दिल से बनाई है ये अपना वसंत कुंज स्कूल में, जैसा कि एड्रेस आपको दिख ही रहा होगा। तो कभी किसी को भी ये काम कराना हो अपने स्कूल या ऑफिसेज में किसी भी तरह की टाइल्स वगैरह, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी माता की ये मूर्ति। थैंक यू गाइस। भाई अब फाइनली काम ख़त्म हो चुका है हमारे, मेरे लड़कों ने भाई पूरा दिन आज काफ़ी मेहनत करी है। और सर काम भाई ऋषि तेरे काम में तो कोई शिकायत रहती नहीं मुझे, तो सर अच्छा लग रहा है एकदम। बस तुम्हें अच्छा लगना चाहिए बस, है ना? और बहुत बढ़िया लग रहा है भाई पूरे दिन की, आज 12-13 घंटे हो गए हैं यहाँ लगे लगे। सर अगर इसको कोई यूट्यूब पे देखे तो सभी लोग हमको ऐसा ही काम देते हैं। नहीं नहीं काम बहुत आएंगे, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? धन्यवाद। बस अपने ऐसे ही प्यार बनाए रखो सारे, ठीक है ना? कोई बात नहीं सर, आपके साथ ही रहेंगे। बस ठीक है फिर, ओके सर। तो भाई गाइज अब घर पहुंचे हैं और सुबह निकल गया था मैं 9:30-9:45 बजे निकल गया था और अब पहुंचे हैं घर भाई। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखते हैं 10:20। और ये कौन बैठा है वो देखो, क्या चल रहा है इसका देखो, टीवी। हाँ भाई कुछ दिख रहा है मुझे, किसी के गले में कुछ दिखा मुझे अभी है। राजी दीदी ने आज मेरे लिए गिफ्ट भेजा। ओ माय गॉड, ये BTS का भाई, ये देखो BTS आर्मी हर जगह फैलती हुई। हाँ भाई तो एक ऑनलाइन आया था हैं? और ठीक ठाक हैं? खाना वाना खा लिया? बस हम मैं अब खाऊंगा। और ये आ गई मैडम भाई, कैसे हो? आज तो बहुत लेट हो गए। हाँ बस आज फाइनली करके आए हैं, बस छोड़ा नहीं आज कुछ। सही किया। हाँ कल फ्री? कल शायद फ्री हूँ। और पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आराम कर रहा हूँ। आराम कर रहे हो, तबीयत ठीक है? है ये गद्दा सा क्यों रोल करके रखते हो, ये गद्दा सा क्यों रोल करके रखते हो? ये पोर्टेबल है, अब ये उठा के उधर ले जाऊंगा। अच्छा पोर्टेबल है ये? हाँ। अच्छा फिर ठीक है। और तो भाई गाइस ये अपना माता का मंदिर देखे भाई, वाह सारी थकान उतर गई भाई, है जय माता दी। आज हमने सरस्वती माता की हमने बहुत बढ़िया मूर्ति बनवाई है,
ऐसे ही आशीर्वाद रखना माता जी। और अभी जी क्या कर रहे हैं हमारे, अरे मेलो बेतू, अरे मेरा बेतू तो सो रहा है। ओए आईज खुल गई, आईज खुल गई, आईज खुल गई, उसे पता लग गया, आईज खुल गई, आईज खुल गई आते ही। चलो आप रेस्ट करो अभी भाई। भाई हम भी जल्दी से नहा धो लेते हैं, ठीक है मैडम? बस नहा के आ रहा हूँ पहले। हाँ, फिर बहुत कुछ बनाया। अरे वाह, मैंने नहीं, और हार्दिक के मामा ने भेजा। मामा ने? ओ माय गॉड। चलो भाई, मामा तो वैसे है ही बहुत अच्छे शेफ, तो भाई खा के देखते हैं कैसे बनाए। वैसे तो बढ़िया ही बना होगा। चलो देखते हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। चलो फिर ठीक है। तो गाइस भाई घर आ गए हैं, अपना फ्रेश हो गए हैं, और पूरे दिन की आज थकान है ना, सिर्फ पता है किस चीज़ से उतर गई भाई, आज खाना देख के। मतलब आज पूरे दिन ये लगा लो लंच ही नहीं हुआ। और शाम को जब आए तो ये देखो कितना कुछ बन के आज रेडी है, और वो भी किसने बनाया है वो भी बताता हूँ। पहले भाई चीज़ें दिखाता हूँ आज क्या क्या है। आज देखो भाई खाने में शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, मिक्स वेज नहीं आलू गोभी, आलू गोभी है ये? यस। अच्छा, आलू गोभी, पराठे और चाय। किसी को भाई ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा लगेगा चाय का, पर मेरा मुझे अच्छी लगती है। तो सुबह से थके भी तो हुए हो ना इसने। एक चाय ली थी आज मैंने, वो भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जाके ली थी। तो भाई आज ये खाना भिजवाया है हार्दिक के मामा जी ने, वो बहुत अच्छे। मतलब एक होता है ना कि कोई कोई किसी चीज में माहिर होता है, तो भाई उसके हाथ में कुकिंग की कला है, कुकिंग की कला है, सही में कला है। तो भाई आप टेस्ट करता हूँ और एक एक चीज बताऊंगा भाई कैसी बनी है। सबसे पहले ट्राई करते हैं भाई शाही पनीर, जो कि शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे भाई बड़ी बड़ी शादियों में बनते हैं ना। आलू गोभी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बताओ। देखो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे चिकन के पीस होते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है भाई। शाही पनीर 10/10 भाई, 10/10 आलू गोभी, मतलब जो टेस्ट होना चाहिए ना आलू गोभी का, आलू गोभी वाला जेन्युइन टेस्ट है, वो टेस्ट है। मजा आ गया। दाल मखनी मुझे तो सबसे, शक्ल से दाल मखनी सबसे अच्छी लगी। अभी कॉल करता हूँ तीनों को। बढ़िया, मजा बन गया। तुम सीख लो। मैं वाइट टेस्ट कर सकता हूँ दाल मखनी की? हाँ खाओ भाई। अब हादिम मम्मा को बोल दो मामा से खाना बनाना सीखे। ठीक है भाई। मजा आ गया। हार्दिक को वैसे भी दाल मखनी अच्छी लगती है। मजा आ गया, अनबिलीवेबल। मेरे पराठे भी बता दो कैसे। पराठे पराठों का टेस्ट है ना आहिरा। भगवान भाई खाने यार, सब्जियां इतनी टेस्टी बनी है तो भाई पराठों का क्या बोलूं मैं। तो गाइस इन सब चीजों का टेस्ट बता के मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, कि जस्ट किसी को भी भाई, किसी को अगर 30-40 बंदों की गैदरिंग के लिए खाना चाहिए या ज़्यादा भी हो तो भाई आप ऑर्डर दे सकते हो। ये इसके मैं उसके जो तो फूड फैक्ट्री के नाम से है, तो वो मैं आज लिंक में डालूंगा, तो आप उसमें जाके अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कहीं पे भी आपकी गैदरिंग हो या कुछ भी हो तो खाने का आप ऑर्डर दे सकते हो। खाने का टेस्ट तो भाई जो ये है ना, हम वर्बली बता रहे हैं, आप टेस्ट करके बताओगे सेम यही वर्ड निकलेंगे मेरे वाले। तो भाई अब इंजॉय करते हैं टेस्टी वाले खाने को और थकान उतारते हैं बढ़िया तरीके से। मजा आ गया गाइस। भाई आज डिनर हो चुका है, 11:30 बज गए हैं, तो भाई पूरा दिन आज थकान में निकल चुका है। तो भाई आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, मेरे बेटू के साथ, दोनों बेटों के साथ अपना व्लॉग आज हम यहीं एंड करेंगे। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपने हमारे ब्लॉग चैनल को प्यार देते रहें। यस, ठीक है हार्दिक। यस।
ऐसे ही हमारे ब्लॉग चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो और अपना साथ देते रहो ताकि हम अपनी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सभी सब्सक्राइब करे। तो ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय बाय, गुड नाइट। परेशान कर दिया।